हेलो गाइस, सेकंड राउंड में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, एकदम बिंदास होगे। आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए 5 टिप्स, यानी 5 ऐसे टिप्स जिससे आप यूट्यूब पे फेमस हो सकते हैं और अपना एक पहचान बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आधे पे मिस मत करो। मैं बार बार बोलता हूँ, आधे पे मिस मत करना, वरना फिर समझ नहीं आया किस तरह आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और शेयर करना इस वीडियो को। पहला जो टिप है, आपको पहले तो चैनल क्रिएट करना है। अगर आपको चैनल क्रिएट नहीं करने आता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा। उसके लिए अलग वीडियो भी ले आऊँगा कि आपको चैनल कैसे क्रिएट करना है। और उसके बाद उसका एक नाम चूज़ करना है, यानी आपको किस फील्ड का बनाना है उस हिसाब से उस फील्ड का आपको नाम चूज़ करना है। उसके बाद लोगो भी उसी नाम का होना चाहिए। अगर आपको लोगो भी बनाने नहीं आता तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप जान जाओ किस तरह लोगो बनाएं। और उसका जो नाम है वो भी चूज़ करना आपको बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो उसका सही नाम चूज़ करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा नंबर इसमें जो आता है वो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपको बनाना पड़ेगा। और ये यानी 5000 वर्ड्स से कम होना चाहिए, तो उतना तो आप बना सकते हो, 1000 2000 जो भी आपको उसमें लिखना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें क्या क्या लिखना है, अपना इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर और फिर आपका फेसबुक, ये सब आईडी अगर आपके पास है तो आप उसमें डालें और लोगों को बताएं कि आप कैसा वीडियो बनाते हो और किस टाइप का आप वीडियो बनाते हो। जिस दिन आप जो वीडियो बनाओगे उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन में ऊपर में आप चेंजिंग कर दो कि अगर मेरा टॉपिक है, यानी कुछ भी टॉपिक हो तो उसको वहाँ पर लिख दीजिए, तो उतना बस चेंजिंग कर दें। और नीचे आप अपना चैनल का लिंक ये सब दे सकते हैं। तो यही आपका डिस्क्रिप्शन हुआ, तो डिस्क्रिप्शन भी आपको बनाना जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन भी बना ले। उतना कुछ लंबा 500 1000 वर्ड का ज़्यादा कुछ लंबा भी ना बनाए, और आप अपने हिसाब से, यानी आपको लंबा ना लगे उस हिसाब से आप बना सकें। और दूसरा जो हमारा टिप्स है वो आपको कंटेंट ढूंढना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है अपना, यानी आपको किस टॉपिक के ऊपर रुचि है और लोगों को क्या पसंद है, उन दोनों चीज़ को देख के ही आप अपना एक टॉपिक ढूंढो, उस हिसाब से आप वीडियो क्रिएट करना। ठीक है ना, उसी हिसाब से अगर बनाओगे तो ही आप आगे तक जा पाओगे। और उसी हिसाब से आपको बनाना है कि आपको पसंद भी हो और लोगों को भी वो पसंद है, तो उस हिसाब से आप टॉपिक ढूंढो। तीसरा जो हमारा टॉपिक है कि आपको डेली वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं कि एक दिन बनाए एक दिन नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगर आप बनाए हो अपना शेड्यूल कि आज बनाना है फिर 3 यानी एक दिन नागा करके बनाना है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आप डेली का शेड्यूल बनाते हो तो आपको डेली देना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन नागा करें फिर एक दिन बनाए, ऐसे नहीं चलने वाला। आपको पूरा जान लगा देना है वीडियो, अगर आप जो बना रहे हो उसमें पूरा जान लगा देना, यानी एकदम आप फील करके लोगों को बताओ, तो ही आपको और मज़ा आएगा, लोगों को भी मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको एडिट उस हिसाब से आपको बढ़िया एडिट करना है। अगर आपको एडिट नहीं करने आता मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वैसे कल बहुत लोग बोल रहे थे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा, और आपको एडिट बढ़िया करना चाहिए। और आपको वीडियो जो है ना अच्छे से एडिट करना है। अगर आपको एडिट करने नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके लिए वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। और थंबनेल जो है आपको एकदम बढ़िया बनाना चाहिए, और थंबनेल जो है एट्रेक्टिव बनाइए कि लोगों को पसंद आए। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं बनाने आता है तो मेरे को कमेंट जरूर बताना। वैसे कल की वीडियो में बहुत लोग पूछे कि थंबनेल किस तरह बनाए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और अगर आपका भी यही सवाल है तो मेरे को कमेंट जरूर बताना, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊंगा कि थंबनेल को एट्रेक्टिव कैसे करें और आपको वीडियो आप कैसे एडिट करें। ठीक है, टाइटल जो आप दोगे, टाइटल आपका ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए कि लोगों को पसंद आए। ठीक है ना, आपका एकदम बढ़िया, उसमें आप अपना पूरा मन से उस टाइटल को जो वीडियो में आप बता रहे हो उस टाइटल में उसको छोटे वर्ड में आपको यानी लिखना है। ठीक है ना, जिस चीज़ का आप वीडियो बना रहे हो ठीक है उस हिसाब से आपको टैग करना है, तो टैग भी आपको करना चाहिए। ठीक है, और आप टैग करोगे तो उस हिसाब से आपका सर्च में आता है, तो टैग करना ही बहुत ज़रूरी। और आपको टाइटल और टैग में ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और आपका पूरा 100% आप अपना पूरा दिल जान लगा के आपको वो वीडियो बनाना है और टाइटल और टैग लगाना है। और अगर आपको टाइटल और टैग लगाने नहीं आता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप टाइटल कैसे लगाओ और बढ़िया टाइटल आप कैसे दे सकते हो और टैग बढ़िया कैसे लगा सकते हो, ये सब मेरे को कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और पांचवा जो मेरा टिप है वो मैं खुद अपनाता हूँ, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब मैं खुद अपनाता हूँ। ठीक है, और पांचवा जो हमारा टिप है कि आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना कि आपको वीडियो आप कब बनाओ,
ठीक है, आपको सब काम करना है, घर का जो काम है और कॉलेज स्कूल जो भी आप पढ़ते हो, तो वो सब काम करने के बाद आपका जब टाइम बचता है, यानी आपको एक शेड्यूल बनाना है कि हम मेरे को इस टाइम पे वीडियो बनाना है, इस टाइम पे एडिट करना है, इस टाइम पे थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आप टाइम बनाओ, ठीक है। लेकिन दिमाग पे प्रेशर आपको नहीं देना है। अगर आप दिमाग पे टेंशन प्रेशर दोगे तो फिर नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको सब्र, यानी सब्र बहुत ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो ऐसा है कि आपका कभी एक व्यू जाए या 10 व्यू जाए, उसमें आप घबराइएगा नहीं, लेकिन आपको कल उससे बेहतर वीडियो देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एक व्यू जाए तो फिर नहीं बनाए, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। आपको कल उससे बेहतर देना है, नहीं आया कोई बात नहीं, उससे बेहतर आप दिए, नहीं आया कोई बात नहीं, उससे बेहतर दिए, कभी ना कभी तो आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, मेहनत अगर करिएगा तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है, ये मैं इसकी गारंटी लिख के देता हूँ, और मैं भी तो उसी लिए मेहनत कर रहा हूँ। और जो मैं ये 5 चीज़ बताया हूँ, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, और मेरे को विश्वास, और आपको मैं एक बात बता दूँ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होगा अपने ऊपर, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए कि मैं कभी ना कभी तो कर लूँगा, हार के बाजी जीत मिलता है। ऐसा नहीं कि, ज़रूरी नहीं कि आपको जीत ही मिलता रहे, हार भी आपको कबूलना पड़ेगा, हार का भी आप एक्सेप्ट करो कि हार आपको अगर मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको हार, अगर आप हार गए तो छोड़ दिए, ऐसा करिएगा तो कभी भी सफलता नहीं मिलने वाला, ठीक है। हार को एक्सेप्ट कीजिए और हार को जीत में बदलिए, ठीक है ना, और आप कर सकते हो। मेरे को विश्वास है कि आप लोग कर सकते हो, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो और सब्र रखते हो, और आप डेली अगर वीडियो देते हो, और आपका एक टाइम शेड्यूल होता है, और आप अच्छे से अपने पूरे दिल से पूरे मन से अगर आप वीडियो बनाते हो, तो आप सक्सेस होगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और आप सक्सेस होने में आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप डेली कंटेंट बढ़िया बढ़िया डालते हो, अपने दिल से पूरे मन से बनाते हो, तो आप बताना, ये जो मैं 4-5 टॉपिक बताया हूँ, उसमें से अगर आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो बनाने नहीं आता या अपलोड करने नहीं आता, किसी चीज़ में भी दिक्कत हो, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो ला के दूंगा, और जल्दी आपका जो कन्फ्यूजन है क्लियर करूंगा, ठीक है। और आप मेहनत करते रहो, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ज़्यादा डाउन था, और कोई बात नहीं है, होता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। और आप बताना कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और चलते हैं गाइस, ठीक है, और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, लगे रहना, छोड़ना नहीं।